वेलकम टू हमारी रसोई। आज हम बना रहे हैं बॉम्बे पटेटोस। बॉम्बे पटेटोस के लिए यहाँ पे मैंने 250 ग्राम बेबी पटेटोस लिए थे, जिसे मैंने बॉईल करके दो में डिवाइड कर दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी बनाना। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में 2-3 टेबल स्पून भर के ऑयल ले लिया है। इसमें हम 1 टी स्पून होल ज़ीरा ऐड करेंगे। इसे क्रैकल करेंगे हम। मैंने 6 गार्लिक्स लिए थे, जिसे मैंने फाइनली चॉप कर दिया है। इसे ऐड करेंगे, इसे हम सौते करेंगे। इसे 1-2 मिनट अच्छे से सौते करने के बाद, फ्लेम हमारी मीडियम पर है, इसे 1-2 मिनट से सौते करने के बाद इसमें हम 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर एंड 1/4 टीस्पून हल्दी। वन टीस्पून आमचूर पाउडर, पाम स्पून ऑफ पानी हम इसमें ऐड करेंगे। बहुत ही इजी और क्विक बनने वाली डिश है ये। आप इसे एज अ स्टार्टर सर्व कर सकते हैं। अब हम इसमें अपने बेबी पटेटोज ऐड करेंगे और मसाले को अच्छे से कोट करेंगे हम इस पर। अब उसमें सॉल्ट ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। अच्छे से कुक करेंगे जब तक सारा ग्रेवी आलू को अच्छे से कोट नहीं हो जाता। यहाँ पे आलूओं ने मसाला अच्छे से कोट कर लिया है। मैंने कंटिन्यू इसे 5 मिनट ऐसे पकाया था। अब हम इसे सर्विंग प्लेट में निकालेंगे और लेमन जूस, चाट मसाला, हरा धनिया के साथ गार्निश करेंगे। यहाँ पर हमने इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है। अब हम इसे चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे, लेमन जूस ऐड करेंगे। देखिए मैंने इसे हरा धनिया के साथ गार्निश कर दिया है। तो आज की हमारी डिश बॉम्बे पोटैटोस बिल्कुल रेडी है और आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपकी हमारी रेसिपीज आपको सबसे पहले मिले। अल्लाह हाफिज़।